नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को सशस्त्र लाइसेंस दिए जाने की संस्तुति करने वाले पुलिस अधिकारी कृष्ण प्रताप सिंह को यूपी सरकार ने निलंबित कर दिया है। मऊ में कोतवाल के पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने यह संस्तुति की थी। वर्तमान में कृष्ण प्रताप बहराइच में डिप्टी SP के रूप में काम कर रहे थे। मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ ही उनके जानने वालों पर भी सरकार जो है वो सख्त एक्शन ले रही है। वही मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक मऊ सदर विधानसभा सीट से अब्बास की भी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि वो अब उनकी कुर्की की जाएगी। MPMLA कोर्ट ने आदेश जारी किया है। अब्बास ने साल 2012 में लखनऊ से जारी किए गए सशस्त्र लाइसेंस के बगैर सूचना दिए ही दिल्ली के पते पर ट्रांसफर कराया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट में लगातार गैर हाजिर होने के कारण MPMLA कोर्ट ने अब्बास की संपत्ति कुर्की के आदेश दिया है। MPMLA कोर्ट के जज अमरीश श्रीवास्तव ने CRPC की धारा 83 के तहत लखनऊ की महानगर पुलिस की अर्जी का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है। महानगर पुलिस ने इस संबंध में कोर्ट में अर्जी भी डाली है। जब अमरीन श्रीवास्तव ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 17 नवंबर की तारीख तय की थी। बीती 11 अगस्त को अब्बास अंसारी के खिलाफ मामले में सुनवाई कर रहे स्पेशल कोर्ट ने कुर्की की कार्यवाही से पहले नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इससे पहले अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। अब्बास के खिलाफ जारी हो चुका है लुक आउट नोटिस। अब्बास अंसारी के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो फरार है। बीते दिनों भगोड़ा भी घोषित किया गया था। अब्बास के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। अब वो देश छोड़कर भाग नहीं सकेंगे। यूपी पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बांदा जेल में बंद है मुख्तार। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जेल प्रशासन के साथ कानपुर के एक डिप्टी जेलर की ड्यूटी लगाई गई है। जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार की सुरक्षा में करीब 32 सुरक्षा कर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात है, जिसमें अंदर की बैरक में रहने वाली सुरक्षा कर्मी बॉडी कैम से लैस रहते हैं, यानी हर गतिविधि पर नजर कैमरे में रिकॉर्ड होती है। तो छोटा सा अपडेट था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्तार के करीबियों निशाना साध रहा है, उस कड़ी में जिस तरीके से उनको सशस्त्र लाइसेंस प्राप्त कराया था, उस व्यक्ति को उतने बड़े लेवल पर होने के बावजूद भी योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।